नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, एक किर्लोस्कर का कॉमेट का 8 HP का इंजन है, इसका गवर्नर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे समझें, कैसे अगर हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएं, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या सोल्यूशन है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आप देख सकते हैं कि ये गवर्नर सिस्टम, इस ये हमारे भाई लोग, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसे ठीक से समझाएं कैसे ये काम कर रहा है, कैसे सिस्टम काम करता है इसका। आप देख सकते हैं इसमें डस्ट कवर पंप में भी नहीं, जो स्प्रिंग लगी थी वो भी नहीं है। यहाँ से इसका बैकअप काम करता है, ये सारा सिस्टम इसी स्प्रिंग पे निर्भर करता है। जितना टाइट होगी उतना आपका स्पीड में चलेगा, जितना यहाँ से लूज की जाएगी उतना ही स्लो चलेगा। तो इसको हम गियर बक्सा खुलवा के अंदर से आपको ठीक से समझाते हैं कि कैसे अंदर से सिस्टम काम करता है। तो हमने ये गियर बक्सा खोल लिया है, आप देख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है, अंदर का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग देखिए, वो जो इस होल में जो स्प्रिंग्स लगी होती हैं, जो गवर्नर स्प्रिंग बोलते हैं, वो स्प्रिंग यहाँ पे नहीं होती हैं। आप दोनों होल में देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, क्योंकि इनमें स्प्रिंग अंदर से नहीं लगाई जाती हैं। जिस इंजन में बाहर से ये सिस्टम लगा होता है उसमें स्प्रिंग नहीं लगी होती। अगर अंदर से स्प्रिंग आप लगा भी देते हो तो इंजन ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बाहर से इतना सिस्टम सेटिंग किया जाता है, तो बाहर से ये पूरा सिस्टम गवर्नर कंट्रोलर काम करता है, अंदर इसके स्प्रिंग नहीं होते हैं, सिर्फ ये बेड से ही हैं। अगर इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं और अंदर ये गवर्नर स्प्रिंग पड़ेंगे, आपका सिस्टम अंदर से काम करेगा। क्योंकि अंदर अगर ये अंदर स्प्रिंग लगाते हैं तो बाहर वाली हटा दीजिए, अगर बाहर इसमें कोसी में भी आपको स्प्रिंग नहीं, सिर्फ इसी स्प्रिंग का काम होता है यहाँ पे, ये कंट्रोल करता है। तो ऐसा जैसे कि समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया हो। अंदर से आपको गवर्नर स्प्रिंग डाल देनी है और ये सारा सिस्टम आपका हट जाएगा यहाँ से। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग जो इसमें लगी थी, आप इसे स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी होती, ये मेन है जो बाहर आपको दिख रही है, तो ये बराबर टाइट होती रहती है। जितना पंप की साइड बढ़ाओगे या बाहर साइड जितना करोगे उतना स्लो इंजन होता चला जाएगा। ये स्प्रिंग बहुत हार्ड होती है और इसी की बदौलत इंजन बैकअप या स्लो या हाई स्पीड कंट्रोल करता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप भाई लोग, आप हमने बताएं कि कैसा क्या करना है, तो हम आगे का कुछ बताने का प्रयास करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।